हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर्स। दिस इज सचिन सैनी और आज हम शुरू करने वाले अपना नेक्स्ट प्रोग्राम, जिसमें हम सीखेंगे कोई कैसे हम चेक करें कोई नंबर हमारा प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो पहले पता कर लेते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर ऐसा पॉजिटिव नंबर होता है जो एक तो 1 से बड़ा होता है और उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो उसके 2 फैक्टर्स होते हैं कौन कौन से, एक तो 1 होता है और एक नंबर खुद होता है। तो पहले पता करते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं, अगर जिनको नहीं पता है तो फैक्टर्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे हम 6 के फैक्टर्स निकालते हैं तो क्या आते हैं, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 6 आएगा। ठीक है, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो 6 क्या होता है, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। लेकिन प्राइम नंबर क्या कहता है, उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होने चाहिए, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। लेकिन इसके 2 और एक्स्ट्रा फैक्टर्स आ रहे हैं, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें हम बताएंगे कि प्राइम नंबर है वो। तो एक प्राइम नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जैसे कि 11 आपका प्राइम नंबर है, कैसे, इसके 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और 11। ठीक है, तो अगर वो नंबर खुद और एक 1, सिर्फ वही उसके फैक्टर्स होते हैं तो वो हमारा प्राइम नंबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया प्राइम नंबर। ठीक, अब चलिए देखते हैं प्रोग्राम, कैसे हम प्रोग्राम से इसको निकालेंगे कोई भी नंबर हमारा प्राइम नंबर है या नहीं, किस तरीके से हम चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लूप का यूज करने वाले हैं, तो आई होप आपको मजा आने वाला है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए ओपन करिए अपना वीएस कोड। तो गाइस, आ चुके हैं अपने वीएस कोड में। इसमें हमने नई फाइल बना ली है प्राइम नंबर डॉट एस टी एम एल के नाम से, और उसमें अपना बेसिक सा एस टी एम एल का कोड लिख दिया है, और बॉडी के अंदर हमने स्क्रिप्ट टैग लगाया है जिसमें हम अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसको। ठीक है, तो कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसमें। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, यूजर से इनपुट लिया है। तो हमने बोल दिया है एंटर द पॉजिटिव नंबर, ठीक है, और इसको स्टोर करा लिया नंबर में। इतना तो आई होप कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी वीडियो करा चुका हूँ, सबको समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, फिर उसके बाद एक हमने वेरिएबल लिया है इज प्राइम। ये क्या करता है, ये नंबर को मतलब एक तरीके से नंबर का स्टेटस रखता है कि क्या हमारा नंबर प्राइम है या फिर नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, पहले से मान के चलते हैं जो हमने नंबर यहाँ पे यूजर ने दिया वो प्राइम नंबर है, हम मान के चलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं वो प्राइम नंबर, तो उसमें ट्रू रख देते हैं। ठीक, अब उसके बाद हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि यूजर सिर्फ एक से बड़ा नंबर एंटर करे। तो यहाँ पर कंडीशन लगा दी, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1 तभी हमें लूप चलानी है। नंबर जब 1 से बड़ा होगा तब हमें एक फॉर लूप लगानी होगी। वॉल्यूम में सिखा ही चुका हूँ। अब मैंने बताया था आपको, जो आपके प्राइम नंबर होते हैं वो 1 से बड़े होते हैं और उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और या फिर वो नंबर खुद। तो हम क्या करें कि 2 से नंबर को डिवाइड करना स्टार्ट करें उस नंबर के एक लेस तक। सपोज करिए हमको 12, सपोज करिए हमें 11 को चेक करना था, तो हम क्या करें कि 2 से स्टार्ट करें और उस नंबर के लेस देन तक उसको डिवाइड कर करके देखें, यानी कि 2 से डिवाइड करें, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, इस तरीके से उसको डिवाइड करते रहे हैं 10 तक। ठीक है, क्योंकि 11 से तो खुद हो ही जाएगा डिवाइड वो। तो इनके बीच में अगर वो किसी से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है, सपोज करिए हमने नंबर लिया होता 12, तो वो पहले ही डिवाइड हो जाता 2 से, तो हम वहीं रुक जाते, आगे नहीं चेक करना होता, वहीं रुक जाते, बोल देते वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, सपोज करिए वो होता 15, तो वो 3 से डिवाइड हो जाता, 2 से डिवाइड नहीं तो 3 से डिवाइड हो जाता, फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं होती, यहीं पर रुक जाते हम और लूप से बाहर आके बोल देते कि हाँ वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो यही हमने लूप में किया है कुछ। हमने लूप को स्टार्ट किया है 2 से, एक कंडीशन लगाई कहाँ तक उसको चलना है, नंबर के एक लेस देन तक चलना है। ठीक है, आई इज लेस देन नंबर का मतलब है, अगर हम लिखते हैं आई इज लेस देन 10 तो ये चलेगा लूप 9 तक। ठीक, क्योंकि कंडीशन जब भी आई की वैल्यू 10 हो जाएगी तो बाहर आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि लेस देन तक का साइन है। ठीक है, तो आई इज लेस देन हमने कंडीशन लगा ली और आई को एक नंबर इंक्रीमेंट कर रहे हैं। उसके अंदर सिर्फ हमने क्या किया है, चेक कर रहे हैं क्या जो हमारा नम है, यानी कि सपोज करें हमने नंबर लिया था 11, 11 का अगर हम मॉड कराते हैं आई से, ये आई की वैल्यू चल रही है, पहले 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, इस तरह चलती रहेगी। तो अगर हम नंबर का मॉड करा रहे हैं आई से और वो आ जा रहा है 0, तो इसका मतलब वो डिविजिबल है। डिविजिबल है इसका मतलब जो हमारा स्टेटस है इस प्राइम, उसको हमने करना है फॉल्स, मतलब वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, और लगा देना है हमको ब्रेक। ठीक है, हमको ब्रेक लगाना पड़ेगा। आपने ब्रेक नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन मैं सबको समझा देता हूँ। यहाँ पे
ब्रेक क्या करता है, सपोज करिए आप लूप में चल रहे हैं, ठीक है, आपको पता है कि लूप में आपने कंडीशन लगा दी कि हमको 10 तक चेक करना है, लेकिन सपोज करो आपको यहीं पे, जैसे मान लीजिए मैंने बताया था एग्जाम्पल में, इसको पहले साफ करते हैं, मैंने एग्जाम्पल में लिया था कि हमने सपोज करिए नंबर लिया 12, हमें 12 को चेक करना है, तो आपने 2 को चेक कर लिया, 2 तो डिविजर हो जाएगा, एक काम करते हैं 15 लेते हैं, ठीक है, तो आपने 2 को चेक कर लिया, ठीक है, 2 को डिवाइड करके देखा, डिवाइड नहीं हुआ, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर आप आगे बढ़ेंगे, फिर आप चेक करेंगे 3 से, तो 3 डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम, ठीक है, 3 5 15, ठीक है, ये हो जाएगा, तो जब आपका 3 से डिवाइड हो गया ये 15, तो आपको आगे चेक करने का क्या मतलब है, आपको पता लग गया कि ये आपका जो है प्राइम नंबर नहीं है, तो आपको आगे चेक करने का क्या मतलब है, तो लूप में बीच में कहीं भी आपको रुकना है, मतलब आगे लूप नहीं चलानी है, तो उसके लिए आप यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का, ठीक है, किसी भी कंडीशन पे आप अगर ब्रेक लगा देते हैं तो वो लूप से बाहर आ जाता है, मतलब लूप वहां पर रुक जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो लूप से बाहर आएगा मतलब यहाँ पे आएगा, अगर हमारा जो इज प्राइम है उसकी वैल्यू ट्रू है तो बोल देंगे प्राइम नंबर है, अदरवाइज नॉट अ प्राइम नंबर, सिंपल सा प्रोग्राम है, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, इस पूरी सीरीज को एक्सेस कर लें, मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी प्रोग्राम बना रखे हैं, बिगनर टू एडवांस लेवल तक हम जाने वाले हैं, ठीक है, तो इस पूरी सीरीज को एक्सेस कर लीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक सीरीज को देख लीजिएगा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।